शायद ही कभी मिलने वाला ऐसा मौका जो आपके संपूर्ण जीवन का भविष्य बदल देगा। जैसे हम अपने भविष्य का प्लानिंग करते हैं, वैसे ही सरकार को भी बढ़ती हुई जनसंख्या को बचाने के लिए आयोजन करना पड़ता है। बरसों पहले मुंबई शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए सरकार ने नवी मुंबई शहर का विकास किया था, परंतु उस समय मुंबई एवं उसके आसपास के लोगों को विश्वास ही नहीं था, क्योंकि जहां नवी मुंबई शहर का निर्माण हुआ वहां तो खाड़ी थी, तो उसमें निर्माण का काम कैसे संभव हो सकता है। इसलिए स्थानिक लोगों ने वहां पर निवेश नहीं किया, लेकिन अनुभवी फॉरेन इन्वेस्टर, सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने वहां पर निवेश किया और सभी निहाल हो गए, क्योंकि जमीन में किया जाने वाला निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जमीन का उत्पादन नहीं हो सकता और निरंतर रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जमीन की मांग भी बढ़ती जाती है। मित्रों, ऐसा ही एक स्वर्णिम मौका फिर आया है। गुजरात राज्य में अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर के अंतर में धोलेरा स्मार्ट सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वर्ष 2009 में उन्होंने विधिवत रूप से धोलेरा स्मार्ट सिटी का शुभारंभ किया। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो शांघाई है, उस शांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 times more। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। हम सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल दूरदृष्टा ऐसे श्री मोदी जी ने 2009 से 2014 तक के इस समय काल में इस महत्वाकांक्षी आयोजन का कागजी काम पूर्ण किया। आप खुद इस वीडियो क्लिप को देखकर समझ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ड्रीम है कि धोलेरा एक ऐसा सिटी बने कि जहां इंडस्ट्रीज के लिए सब सुविधा हो, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहां बनाने के लिए जा रहे हैं। तो धोलेरा इज द बेस्ट डेस्टिनेशन होगा कि वहां डिफेंस के लिए कल ही एक MOU हुआ है एयरबस के साथ, वो भी धोलेरा में आ रहे हैं। धोलेरा के साथ उनका MOU हुआ है। देश के लोकप्रिय अखबारों में पिछले 2 वर्षों के समयांतर में दिए जाने वाले समाचारों में क्या बयान किया जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही आसपास के इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जहां धंधे और रोजगार का निर्माण किया जाता है, वहां ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। उदाहरण रूप से मुंबई के आसपास डोंबिवली, बदलापुर, मीरा भायंदर, वसई वगैरह की तुलना में नवी मुंबई में जगह के भाव बहुत ही जल्दी बढ़ गए, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल कमर्शियल डेवलपमेंट भी हुआ। उसी प्रकार से गुजरात के सानंद गांव में सिर्फ टाटा नैनो फैक्ट्री आने से जगह के भाव अनेक गुना बढ़ गए। इससे भी ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है धोलेरा स्मार्ट सिटी। आप खुद कल्पना कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। Dholera is a huge township. It's ultimately by 2040 we are hoping to build about 900 square kilometers, but we are starting in phases. The first phase is about 150 square kilometers, but even within that we have an activation area, and that activation area is going to be 22.5 square kilometers. We call it activation because it's going to activate
the rest of Dholera over the next 30 years. And our goals for the activation area is to get it completed by 2019. So industries can come in. It's basically a plug-and-play system where industries come in and they basically just build their structures and they start production. We have completed all of the environmental planning, the assessment, the master planning. The design is all done, the preliminary design. We have issued some major tenders, and the tenders are due December 2nd, and we are hoping to award the first contract for the roads and underground utilities by December 19th, when the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is going to be doing the groundlaying ceremony for that. Dholera is part of Dholera Special Investment Region Corporation's New Cities Infrastructure Program. Trying to identify the right technology for the right part of infrastructure, which maximizes the not just the output but fulfills the complex requirements of the project. So we are using almost every available technology, whether you call whether it's a GIS technology or a BIM technology or design analysis technology, visualization technology, every possible technology which is best in that area is being used. अब सवाल यह है कि धोलेरा को ही क्यों पसंद किया गया, तो ये रहे उसके सचोट कारण। प्राचीन समय में धोलेरा एक चहल पहल वाला बंदरगाह था। विशाल समुद्री किनारा, जहां से समुद्र मार्ग द्वारा माल की हेरा फेरी सरलता से की जा सकती है। यहां की जमीन बंजर होने से, खेती में उपजाऊपन कम होने से अधिक संख्या में जनसंख्या स्थानांतर कर रही है। जनसंख्या कम होने से माइग्रेशन स्थानांतर बहुत आसान हो गया है। यहाँ की ज्यादा जमीन सरकार की है, जिससे विकास जल्दी से बिना रुकावट के और कम खर्चे में सरलता से हो सकता है। कुल 922 किलोमीटर के विस्तार में धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास होने वाला है। इसका टाउन प्लानिंग ब्रूट हिल और मेसर्स हेल्को कंपनी यूके कंसल्टेंट द्वारा किया गया है। संपूर्ण विस्तार का विकास करने का सिस्टमेटिक आयोजन करने में आया है। सर्वप्रथम सरकार 22.6 किमी के विस्तार में स्मार्ट सिटी बनाने का आयोजन किया गया है, जिसका एविएशन वर्क देश के प्रथम पद पर आने वाली कंपनी एलएनटी द्वारा काम चालू करने में आया है, जो वर्ष 2019 तक संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगा। दूसरी सरकारी बिल्डिंग एबीसीडी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ धोलेरा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट क्यूब कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, जिसने बड़ोड़ा बस स्टेशन का निर्माण किया है। इसी उपरांत समयांतर सभी कार्यों के टेंडर्स बाहर निकल रहे हैं, वे सभी अपनी समय सीमा के अनुसार काम कर रहे हैं। ये सभी बातें सरकार की इस प्रोजेक्ट के प्रति गंभीरता दर्शाती है। इसके अलावा धोलेरा में विश्व के बहुत सारे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने एमओयू किया हुआ है। जापान की कंपनी ने यहाँ देश का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी ली है। फ्रांस को हेलीकॉप्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनी एयरबस वाइब्रेंट गुजरात 2017 में एमओयू साइन किया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ धोलेरा रिलायंस, टाटा, एलएनटी, महिंद्रा, एसआर, सुजलोन, कैडिला फार्मा, जाइडस, एयरबस, बोइंग, अदानी, अरविंद मिल्स, वेल स्पून, एचसीसी, ये सभी नामी कंपनियां। लोकप्रिय फोर्ब्स मैगजीन ने विश्व की 12 सबसे जल्द विकासशील शहर में धोलेरा का नाम समावेश किया है। 2016 में रिलायंस ग्रुप मुकेश अंबानी ने 90 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। सामान्य अनुभव कहता है कि जब किसी इमारत का शुभारंभ करके नींव की खुदाई करने में आती है, तब इन्वेस्टर को उसका सर्वोत्तम लाभ मिलता है। यहाँ तो मुहूर्त भी हो चुका है, नींव भी बन चुकी है। Planning and development in the field of solar power and associated. With its unwavering commitment to opportunistic investing,
and maintaining high level of services to its clients. JNBC has made a significant mark in the real estate market of Gujarat and Rajasthan. We have shifted our all focus in the last decade to Dholera SIA. Now, we have more than 30 ongoing projects inside and nearby Gujarat. Today, JNBC has gained a reputation for delivering high quality work and excellence in residential and commercial real estate. We have been facilitated by so many reputed organizations and institutions like ASSOCHAM, IDIDA, CNMA, and Medellin for our development.